नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। भारतीय किसान संघ बैराड़ के किसानों की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई नुकसान की भरपाई कर शीघ्र उचित मुआवजा राशि दिलवाने को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील बैराड़ ने तहसीलदार बैराड़ प्रतिज्ञा डेंगुला को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं जिलाधीश के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी अवगत कराया है। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांगे, जिनमें बाढ़ से हुए नुकसान में तहसील के कुछ गांव सर्वे में छूट गए हैं, उन ग्रामों का तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाई जाए, ग्राम पंचायत खटका को बाढ़ पीड़ित में जोड़ा जाए, तहसील बैराड़ में अतिवृष्टि से हुई बर्बाद फसलों का तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि दी जाए, बलराम तालाब योजना पुनः शुरू की जाए, मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना पुनः चालू की जाए, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए तथा जले हुए ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने जाएं, किसानों को दी गई राहत राशि अथवा बीमा की रकम सीधे किसानों के बचत खाते में डाली जाए, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य दिलाए जाए, कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाए, नगर पंचायत बैराड़ के वार्ड क्रमांक 1 के कुशवा मोहल्ले में बीते 6 वर्षों से आज दिनांक तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है, अतः जल्द से जल्द वहां ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर ब्रजेश धाकड़ भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष बैराड़, तहसील मंत्री योगेश वर्मा, राजकुमार रावत नगर अध्यक्ष, पूर्व तहसील उपाध्यक्ष डॉक्टर बाईस राम वर्मा, जीतू रावत वार्ड समिति अध्यक्ष मुकेश धाकड़, गांजीगढ़ आदि लोगों के साथ एक सैकड़ा से अधिक की संख्या में किसान उपस्थित रहे। संघ ने विद्युत केंद्र बैराड़ को फिर घेरा, एक घंटे जमकर किया प्रदर्शन। बैराड़ तहसील क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को लेकर एवं विद्युत बिल निर्धारित राशि से अधिक किसानों से वसूले जा रहे हैं, इसको लेकर किसान संघ ने शुक्रवार को विद्युत केंद्र बैराड़ पर जमकर हंगामा किया। किसान संघ ने विद्युत केंद्र बैराड़ के सामने नारेबाजी करते हुए करीब एक घंटे तक बैठकर विद्युत कर्मचारियों की मनमानी एवं नियम से अधिक बिल, ट्रांसफार्मर के खराब या बुक जाने पर नवीन ट्रांसफार्मर को ग्रामों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, किसानों को आए दिन परेशान किया जा रहा है आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील बैराड़ ने विद्युत केंद्र बैराड़ पर आज जमकर हंगामा कर दिया, जहां किसान संघ द्वारा तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में किसानों की समस्याओं को लेकर विद्युत कर्मचारियों को अवगत कराया एवं उनका जल्द से जल्द निराकरण करने के साथ चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस बार विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो किसान संघ विद्युत केंद्र बैराड़ का घेराव करेगा एवं इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगा। बैराड़ में शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार के आगमन पर नगर में नेताओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सप्रेम भेंट करते हुए ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे प्रस्तुत की, जिसमें समस्त मांगे उक्त ज्ञापन में जो कि तहसीलदार बैराड़ को दिया गया है, वहीं 10 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत रखी, जिस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।